क्या करोगे? क्या करोगे पराये बनके? ये बड़े भाई से बात करने का तमीज है? अपने बड़े भाई को आंख दिखा रहे हो? ऐसे नालायक औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। अरे अम्मा, आप काहे गुस्सा कर रही हैं? सासू माँ, वो मायके से बाबूजी आए। किसके बाबूजी? छुटकी के बाबूजी। तुम काहे इतना चहक रही हो? जैसे तुम्हारे बाबूजी आ गए हो? ज्यादा बाबूजी बाबूजी और बिटिया जी हुआ ना तो बाबूजी सपना हो जाएंगे। दिवाली के बाद आने की बात हुई, अभी आके धमक गए। छत्तर लोग हैं, अब जाओ जाके उन्हें पानी वानी पिलाओ और जाके अस्थिर एक जगह बिठाओ। हम बताते हैं कि क्या कहना है। जी सासू माँ। लीजिए पानी। वो सब लोग अभी काम में व्यस्त हैं। किसी को पता नहीं था ना कि आप आने वाले हैं। बेटा, ये दिवाली की मिठाई। अरे दीदी, कहाँ जा रही हैं? आइए बैठिए, पापा के साथ बातें करते हैं। तुम्हारे पाउची आए सिया, तुम बैठकर बात करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। तुमसे जो बोला था वैसे किया ना? जी जी सासू माँ। कालिंदी को क्या हुआ? ठीक से बात भी नहीं किया। वो पापा, दीदी थोड़ा काम में व्यस्त है ना, तो ध्यान नहीं गया होगा। और कोई बात नहीं है, बाकी बातें हम कर ले। नमस्कार समधन जी। नमस्ते। आज दिवाली का दिन है, बहुत सारे काम है घर में, यहीं खड़ी रहोगी तो देर हो जाए। जाओ। पापा, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। आपकी बेटी का ही ससुराल है, आराम से बैठिए। चाय पियेंगे? कटोरी। जी मलकाइन। देख रही हूँ कि कुशन पे कितना धूल है, बिना कहे भी कभी कुछ काम किया करो। लेकिन मलकाइन, ये सब तो हम सुबह किए थे, फिर से धूल धक्कर पड़ गया। जाओ समधी जी के लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा। कालिंदी दीदी, यहाँ की स्थिति जो भी हो, हम भी उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, मगर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमने पापा को बता दिया है कि आप थोड़ा बहुत काम में व्यस्त हैं, बस इसीलिए जान बूझ कर कोई ठोकर लगाए और ये कहे कि इसका मरहम तो बाजार में मिलता है, ये कोई दिलासा नहीं हुआ। दीदी, हम आपको दिलासा नहीं दे रहे, हम तो बस हालात के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप जबान से कुछ भी कहें,
मगर रिश्ते तो दिल में बसते हैं, और जो आपके दिल में मायके के लिए आदर सम्मान है दीदी, वो आदर सम्मान किस काम का सिया, जब आप उसे अपनों के सामने जाहिर ही नहीं कर सकते, बल्कि उस आदर सम्मान को तो खरोच कर मिटा देने के लिए मजबूर कर दिया जाए। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? और कैसी बात करें सिया, सच कहे सिया, हमारे अंदर बस यही तड़प है कि मायके का एक एक रिश्ता हम करीब से जी ले। देखो ना सिया, कितने पागल हैं हम। लोग सही कहते हैं कि आपकी हर चाह कहां पूरी हो पाती है। दीदी, इतनी उदास रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप देखिएगा, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा सिया? हमें नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होगा, लेकिन यही हाल रहा ना तो देखना, एक दिन ना एक दिन दिखावे के भी सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और हमारे पति देव वो एक बार चुनाव जीत जाए बस, उस दिन इस घर में हमारी ऐसी दुर्दशा होगी जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता। सिया, हम तो रो भी नहीं सकते, बहू है ना इस घर की, हमें ये भी हक नहीं है। चलो सिया, हम ज्यादा देर इस कमरे में रहे तो सासू माँ को लगेगा कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। चलो सिया। अरे तीजा बीबी जी, कुछ ढूंढ रही है क्या? हाँ, यही सोच रही थी कि गई कहाँ। आप ये कब से खेलने लगी? आपसे मतलब? तीजा मेरी जान, मेरे पास उतने सुंदर अल्फाज नहीं जितने तुम सुंदर हो। तुम नहीं दिखती हो तो लगता है कि मेरे कुछ हो गया, तुम न मिले तो भूख प्यास सब गुम हो जाती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने कि अब आईने में भी अपनी जगह तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, तुम्हारे पीछे जोगी बन जाऊं, अब तुम्हें तुम्हारे ही संग
जीना है, तुम्हारे ही संग मरना है। तुम्हारे बिना जैसे जिंदगी का दिया बुझ रहा है, तुम्हारे बिना तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम हो तो सब कुछ है। अब और इंतजार मत करवाओ मेरी जिंदगी, आज की रात मुझसे मिलने आ जाओ। मालूम बा, अब तुम तोरे बदे भाई दरभंगी घास हाउस बदतर होई गई। ऐसा है, तुम्हारे सिवा ना हमारा दूसरा कोई नहीं, तो जो नानुकुर है इसको बंद करो। मणिराम की विधेयक की सीट मिल रही है हमको, तोरा जाऊ पार्टी तो बनता है और हम देंगे भी तुमको, लेकिन अकेले में। तो नानुकुर बंद करो, समझी? माई रे माई। हमरे देवर जी इतना बढ़िया बतियाते हैं कि सुन के झुरझुरी हो जाए। चुनाव में जब भाषण देंगे ना तो पब्लिक जय जयकार करेगी। करिए करिए, बात करिए, हमें सब में कोनो दिक्कत नहीं। हम तो आपको ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं। रखो, बाद में बतियाते हैं। एक जने आई गए हैं। हाँ। अरे बाद में काहे? देवर जी, खाने को बार बार चूल्हा पर गरम करने से सुबान मर जाता है। और कौन सिपाही थोड़े ना खड़ा है जो हथकड़ी बांधेगा और आपको ले जाएगा। सही कहें देवर जी, आपका ना ब्याह ही गलत हो गया। खैर, भूतकाल में जाने से कौनो फायदा तो है नहीं, लेकिन भविष्य काल के बारे में तो सोच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं देवर जी, घर में सब लोगों ने आपको बहुत ही पराया कर दिया है। अब कोनो कंधा तो चाहिए जहाँ आदमी गुबार निकाल सके अपना। यही लिए तो हम कहते हैं कि हमारी गिन्नी भौजी हमारे फेवरेट भौजी है। कहीं कुछ करें ना करें, बात बहुत सही करती भौजी। हमारा तो मन करता है कि मन का क्या होता है घर में देवर जी। अब देखिए, आपके और आपके बड़े भाई के बीच में कितना प्रेम व्यवहार था, लेकिन सवारों की बीची ने कितना बड़ा झगड़ा करा दिया आप दोनों के बीच कि बस। भौजी, बात का हमको ही बहुत है दुख है। तो कोनो छोटा भाई अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात विवाद करता है, लेकिन हम हूं ना भौजी आनहर ना है। हमको सब समझ में आ रहा है कि घर में होता क्या है। तो लेक दैया आई विधेयकी का जो फिर देखिए कैसे हम बलबलवा से माननीय विधायक जी बनेंगे। ए देवर जी, एक बात ध्यान रखिएगा और गांठ बांध लीजिए कि अपनी भौजी को भूलिएगा नहीं। चुनाव जीत के बदल जिन जाइएगा। हम ही तो हैं जो आपका साथ देंगे, वो भी हमेशा। अब देवर जी के काम भौजी नहीं आएगी तो कौन आएगा? पड़ोसी? नहीं ना, अभी तो किस्मत ही उल्टी पड़ गई। अगर आप ये घर के बड़े बेटे होते तो ये घर का नक्शा ही कुछ और होता देवर जी। भौजी, क्या हुआ कि घर में घर के बड़े बेटे नहीं हैं तो क्या? हम इस घर में बड़े बेटे के ही हैसियत से रहेंगे। कोई हमारा एक रोमा तक नहीं उखाड़ सकता। ये लोग जब स्कूली में स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, उसमें बलबलवा ना पगलाइन पीएचडी कर रहा। हम जोने रास्ते पे चलना चाहते हैं, हमेशा हम वही रास्ते पे चलेंगे। ये तो सरासर जबरदस्ती हो गई। जितना जी चाहे मुंह खोल के मांग लो और बेरोक टोक होकर ले जाओ। अरे ऐसा होता रहा तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा घर में, और हम लोग क्या करेंगे? बस हाथ मलते रह जाएंगे। अभिनंदन भैया, आप इस घर के बड़े हैं, ये बात मत भूलिए। अरे आप ही को तो सब कुछ कंट्रोल करना है। अरे कुछ तो अंकुश लगाइए। अंकुश उस पर लगाया जाता है सवारों, तो दूसरे को समझदार और योग्य समझे। यहाँ तो बलबल अपने को ही सबसे ज्यादा योग्य समझदार समझते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कितने भी बड़े हो जाएं, घर गृहस्थी में सयाना होना अलग बात है, लेकिन राजनीति की दुनियादारी अलग है। और आजकल राजनीति में ऐसे ऐसे घड़ियाल बैठे हैं ना, इन पगलों को कब लील जाएंगे पता नहीं चलेगा। पैसे की बर्बादी। वैसे एक बात बताइए भैया, ये बलबल भैया को वाकई सीट मिल गई है?
माने हमें तो नहीं लगता है कि सीट टूट मिल गया। हलवा है का सीट मिलना है? अभी तक तो नहीं ना मिली। हम तो कहते हैं सीट मिलनी भी नहीं चाहिए। एक बार देवर जी को चुनाव में जीत मिल गई ना तो सबको मसल के पिचुनी बना डालेंगे। अभी से बता देते हैं आप दोनों को। और हम लोग सब भेड़ की तरह मिमियाते रहेंगे आगे पीछे उनके, और एक के लाठी से सबको हाकेंगे। देवर जी वो कहेंगे कि कुआं है इसमें गिर जाओ, तो हम सबको गिरना पड़ेगा भेड़ की तरह। कहाँ बता रहे हो गिन्नी, ऐसे कैसे हाकेंगे और हम लोग गिर जाएंगे? वो इतना कुछ करेंगे मन हम चुप बैठेंगे। माई रे माई, अपने मर्द की मर्दानगी जागते देख अचरज होता है हमको। कल तक तो मौनी बाबा बन के बैठे रहते थे। अरे धन्य मानिएगा कि सवारो दीदी जी आपकी फुल सपोर्ट में है, नहीं तो आपके भाई बलबल देवर जी हम सबको फुटपाथ तक ढकेलने में चूकते नहीं, बता देते हैं। ऐसे शर्माते झिझकते चुप्पी साते देखते हैं ना आपको, सही में डर जाते हैं हम, कहीं एक दिन हमारी जुबान ना चली जाए। एक नहीं, बात जितना तुम समझ रही हो ना उतना है नहीं। हम चीनी मिल चलाते हैं, डेली 500 वर्कर से डील करते हैं, लेकिन घरवा में बदतमीजी नहीं करते हैं, वो तो अम्मा का हम ख्याल करते हैं, यह ले उनके सामने हम चुप रहते हैं बस। बस एक ही बात है भैया, जिसका फायदा ये बलबल भैया खूब उठाते हैं, इस घर का चिराग जो है उनका बेटा, बस इसीलिए अम्मा उनके सौ खून माफ करने को तैयार रहती हैं। और इतना मानती हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस बार हम अम्मा को पिघलने ही नहीं देंगे। वो सिया के बाऊजी आए हैं, कब से बैठे हैं, आप लोग एक बार चलकर मिल लेते तो। अम्मा बैठी है ना वहां पे, फिर आपको क्यों चिंता हो रही है? किसी को मत बुलाइए अभी, वैसे ही सब यहाँ बहुत टेंशन में है। काफी परेशान लग रहे हैं आप, और चाय पियेंगे? नहीं नहीं ठीक है, चलता हूँ। वैसे अच्छा ही किया आपने कि आप आ गए। हाँ काफी दिन हो गए थे मिले हुए, तो सोचा सिवा ने मुलाकात हो जाएगी। वैसे आपसे हमारी बात दिवाली के बाद मिलने की हुई थी ना? जी हाँ, हुआ ये कि ये पहली दिवाली है जब बिटिया को घर में नहीं देख के सब सुना सुना लग रहा था, तो सोचा मिल आते हैं, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। घर सुना सुना लग रहा था या घर में पैसे की कड़की हो गई थी, इसलिए अपनी बेटी के कंधे पर सर रख कर रोने आ गया? नौलखा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माफ कीजिएगा समधी जी, हमें कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है, लेकिन आपकी परेशानी में हमारी बहू ने आपकी बहू को जो पैसे दिए थे ना, वो उसे धनतेरस के दिन उसकी ससुराल में शगुन में, और कम से कम आपकी बहू को तो इतनी खुददारी दिखानी चाहिए थी कि उसके शगुन के पैसे उससे न लेती। नहीं नहीं, ये जो कुछ भी आप कह रही हैं सच नहीं है। ये क्या? हमारा तो ये मानना है कि बच्चों को माँ बाप की मुसीबतों में घसीटना ही नहीं चाहिए, उन्हें अपने से निपटने देना चाहिए। और अगर आपको पैसे की दिक्कत थी, आपने कप्तान साहब से कह दिया होता तो वो आपकी मदद कर देते। लानत
किस तरह अपनी बेटी से चुपचाप पैसे मांगवा। मैं कह रहा हूँ नौलखा जी, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपने घर जाएंगे ना, तो खुद ही पता कर लीजिए। माफ कर दीजिएगा मुझे, मैं गलती से चला आया। पापा अंकल रुकिए। पापा अंकल चटके पाओ।